Let's talk about Bumrah again. Yeah, Bumrah, yeah. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी जी आपका selected था Bumrah. हम पागल हैं, हम गोबर खाते हैं, हमारा दिमाग खराब है यार पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी अवाम का, कि यार एक हसन अली जो T20 वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट उसने पीछे खेली नहीं है साल डेढ़ से, उसको तुम T20 वर्ल्ड कप खेली के जा रहे हो। लेकिन जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, वो बॉलर जो 6 के 6 यॉर्कर करा सकता है, दुनिया में ऐसा कोई बॉलर जो मुझे बता दें जो 6 के 6 यॉर्कर करवा सकता हो। कुछ अरसा पहले पाकिस्तान किसी लेवल पे था, लेकिन अभी रिसेंट जो करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया ही हुई बढ़िया। रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने ना चुन कर इतनी बड़ी कंट्री में से चुन कर जो हीरे होते हैं ना वो निकाल। पर आजम ने ये बता दिया कि क्यों उसको घंटे का किंग बोला जाता है, क्ययों उसको जिम्बाब्वे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है बाबर आजम को? घंटे ने घंटे वाली हरकतें की अपनी पॉडकास्ट में। बुमराह वाइड बॉलर है दुनिया का, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो। अगर टेस्ट मैच में 3 रन भी हो तो मैं बुमराह से कराऊं, अगर वनडे में 6 रन भी हो तो मैं बुमराह से बॉल कराऊं लास्ट ओवर, और अगर T20 में 4 रन भी हो तो आई गो विद बुमराह, क्योंकि बुमराह जैसी क्वालिटी है ही नहीं। जसप्रीत बुमराह जो है दुनिया का नंबर वन बॉलर है, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं। मैं समझता हूँ इंडिया में ही अगर कोई बुमराह के बराबर आया तो इंडिया की टीम से ही निकल कर आ सकता है, जिस तरह उनके बॉलर्स अभी जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डेथ ओवर्स के अंदर बुमराह बहुत ऊपर है, इवन पूरे वर्ल्ड में अगर आप बात कर ले तो बुमराह की जो यॉर्कर्स की एक्यूरेसी है, टॉप क्रशर यॉर्कर्स है, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। तो जसप्रीत बुमराह की टक्कर का कोई बॉलर पाकिस्तान के पास है? शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, कोई है टक्कर का या नहीं? क्या ना, उसकी बेइज्जती कर रहे हो सीरियसली। तो अब आप जो है ना बजाने के चक्कर में आप अपने अपना ही बजा रहे हैं, आप बजा अपना ही रहे, क्योंकि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट में 140 का बॉल डाल लेते हैं और हार्ड लेंथ पे डालते हैं और कुछ आपके पास मूवमेंट है लाइक बुमराह, सबसे बड़ी मिसाल ही उसकी जसप्रीत बुमराह। सबसे पहले तो हमारे शादाब खान को ट्रेनिंग लेनी चाहिए इंडिया के कुलदीप यादव से, और शाहीन अफरीदी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए बुमराह से, हारिस रऊफ उनको लेनी चाहिए उनसे, मोहम्मद सिराज से, और हसन अली को लेनी चाहिए स्पेशली मोहम्मद शामी से। डेथ ओवर्स में चूज करना हो तो आई विल गो टुवर्ड्स बुमराह बिकॉज ही बॉल्ड नाइस यॉर्कर्स। आपसे एक और पूछ रहे हो, एक ओवर में 10 स्कोर चाहिए, अब दोनों बॉलर है शाहीन अफरीदी और बुमराह, दोनों में से कौन सा के 10 स्कोर नहीं होने देगा? बुमराह, शाहीन, बुमराह, 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 बुमराह नहीं, बुमराह, बुमराह भाई, बुमराह बेस्ट है। पाकिस्तान के बॉलर शाहीन अफरीदी और इंडिया का बॉलर जसप्रीत बुमराह में से आपको क्या लगता है कौन सा ग्रेटेस्ट बॉलर जा रहा है? नहीं, मुझे तो लगता है जसप्रीत बुमराह जो है ना वो सबसे बेहतर है। बुमराह अपनी जगह पे आ गया, शाहीन अफरीदी उसके सामने भी कुछ भी नहीं है, बुमराह बेस्ट है, बुमराह ही है। हाँ जी, सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर बुमराह है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी अच्छा है, पर ये है शाहीन अफरीदी में ना अभी थोड़ा सा ना काम होने वाला है, वो उससे पहले 2-3 ओवरों में विकेट ना ना मिले तो वो ना ऐसे ज़रा हाइपर सा हो जाता है, उससे एक बोले नहीं होती, बेफजूल का वो जोर लगाता रहता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो बॉल कराते हैं, जब वो नया बॉल कराता है बॉल ऐसे घुमाता है वो, ठीक है इन स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है, लेकिन जो शाहीन अफरीदी है उसे बॉल ही नहीं हो रही, वो यॉर्कर ही नहीं करा पा रहा, वो गुड लेंथ पे रखे मारी जा रहा है, बैट्समैन आगे उसको चपेड़े मार रहे हैं। ये बॉलर थोड़ी होता है, बॉलर तो वो होता है ना जो बॉल निकाले, स्विंग करे, घुमाए उसको, जब किसी ने घुमाना ही नहीं है बॉलर ने आके, इतने बड़े बॉलर होने बॉलिंग मतलब के उसको कहते हैं इतना बड़ा स्टार है शाहीन अफरीदी, इतना बस कर भाई शाहीन, शाहीन है तू रहन दे भाई, है भी शाहीन, शाहीन है भाई, है भी तू कितने साइड ले जा रहे हैं पागल भाई, शाहीन स्विंग करते स्टार्ट में बताओ बस यार, यार शाहीन शाहीन है तुम्हें सारे नु पता है यार, शाहीन शाहीन है, फिर है भी है फजूल में गलत छड़ी जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बुमराह बुमराह भाई, बुमराह बेस्ट है, तू रहन दे मेरा पुत्र, तू शाहीन दी बेबी की तू बॉलिंग। अगर मैं आपको कहूं कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, मैचल स्टार, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखें वाइड बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शाहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइड बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है, तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा है। Runs, एक ओवर T20 मैच जीतना, आपके पास ऑप्शन है नसीम शाह को देंगे या जसप्रीत बुमराह को देंगे? नसीम शाह को, एक ओवर में अगर 10 रन सेव करने हो तो मैं नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह में से अगर किसी एक को चुनना पड़े ना, मैं नसीम शाह को चुनूंगा, क्योंकि नसीम शाह डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर है। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज
और पाकिस्तान के होने वाले कप्तान बाबर आजम का। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन में भी अच्छे डाल देता है, जहाँ बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे, 6 बाउंसर भी मार लेगा, गुड लेंथ में मारना है तो गुड लेंथ में भी मार लेगा। आखिरी ओवर में 10 रन बचाने हो तो आपको नसीम शाह बुमराह में से किसको चूज करेंगे? तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स मैं नसीम शाह को चूज करूंगा। जाहिर है पाकिस्तान के कप्तान है तो उन्होंने अपने क्रिकेटर को ऊंचा रखना है और ये सच बात है, और मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छे बॉलर हैं। और अगर चाहे बहुत से लोग ये समझते होंगे कि बुमराह डेथ ओवर ज्यादा अच्छे करते हैं और वैसे भी उनका ओवरऑल इवन के वनडे क्रिकेट के अंदर भी उनके डेथ ओवर्स की जो रेशो है बहुत अच्छी है, मगर पाकिस्तान की तरफ से भी नसीम शाह बहुत अच्छे, बल्कि वर्ल्ड में भी अच्छे बॉलर्स में आते हैं कि डेथ ओवर वो अच्छा करते हैं। भाई बुमराह ने बाबर आजम का करियर खत्म कर देना है अगर तो वो चाहते हैं कुछ आगे इन फ्यूचर कुछ अच्छा करें, तो वो बुमराह से कुछ सीखें, विराट कोहली से सीखें। अगर शाहीन वर्ल्ड क्लास बॉलर होता तो उसने इंडिया के खिलाफ विकेट्स क्यों नहीं लिए? हमें दुआ करें श्रीलंका से हार के हमारी टीम बाहर हो जाए, वरना इंडिया ने जो धोना बुमराह कोहली इन्होंने ऐसा उड़ाना है इनको फिर देखते रह जाएंगे। बुमराह बॉल कर रहा था बाबर आजम नाच रहा था, वो समझ नहीं आ रही थी बॉल इधर हो रही है इधर हो रही है। ये इंजरी से वापस आएगा तो इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, उसने इनकी ऐसी धुलाई की अपनी बॉलिंग फेंक फेंक, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट से जा रही है या राइट से जा रही है। सर बुमराह बुमराह जिस तरह सानू पे लिया ना उस तरह साढ़े कागजा तो भाई बुमराह बुमराह। फरीद बुमराह से बेहतर बॉलर नसीम शाह, तब समझ नहीं आती मुझे, भंग पीते हो नशा करते हो, कौन सा नशा करते हो, इतनी ओवर बातें कह देते हो। कभी वो रिजवान बुलन उठता है वो कह देता है कि PSL इज बेटर देन IPL। लास्ट ईयर मुझे याद है बाबर आजम की एक पॉडकास्ट आई थी, इसी चैनल पे आई थी, उधर बाबर आजम ने बोला था कि जी बिग बैश IPL से बेहतर है, पाकिस्तान का इस वक्त जो बॉलिंग अटैक है उसमें सबसे बेस्ट अगर मैं कह सकूं नसीम शाह। विराट कोहली से जब जब मिलता हूं मैं तो विराट कोहली से क्रिकेट के बारे में बात होती है और विराट कोहली से मैं हमेशा सीखने की बात करता हूँ और हमेशा मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। जो जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निक्स में वो मैं विराट कोहली से शेयर करता हूँ और विराट कोहली से उन सब के बारे में सीखने की कोशिश करता हूँ। अब क्या सीखने की कोशिश करता हूँ, क्या चीजें विराट कोहली से मैं डिस्कस करता हूँ वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। ये भी कहना है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब का, जो क्या नाम है बुमराह जिस स्पीड से चल रहे बुलेट ट्रेन की स्पीड से, ओ भाई उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। ओ भाई उसकी यार रैंक इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि भाई मतलब कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के बॉलर देख लें वकार यूनुस, वसीम अकरम, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यार इसने जो ओली पॉप को एक यॉर्कर मारा था इंग्लैंड सीरीज में कमाल कर दिया। बिल्कुल यार जो उसने यार मैंने आपको पहले बताया कि जो उसकी यार्क लेंथ है भाई उसका मतलब कि किसी भी दुनिया की जो मर्जी टीम उठा लेना कोई भी प्लेयर उस तक नहीं पहुंच सकता, उसकी यार्क तक जो वो इन करता है आउट करता है भाई आउटस्टैंडिंग। विराट कोहली से मिला जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, विराट कोहली से जो वो मिले थे तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी विराट कोहली से मिलता हूं मेरी कोशिश होती है मैं उनसे कुछ पूछूं, कुछ नॉलेज ले लूं। आप देखिए वो फिर घुमा के रख देता है, उसके मुकाबले का कोई अगर हो तो फिर हम उसके साथ मुकाबला करें ना, मुकाबला बनता ही नहीं है। खासकर उन्होंने जिक्र किया विराट कोहली के बारे में कि मैं विराट कोहली से जब उसमें बातचीत कर रहा था तो मैंने अपने बारे में एक चीज पूछी थी विराट कोहली से, तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली से हर मुलाकात के बाद मैं उनसे कुछ ना कुछ पूछना या सीखना चाह रहा होता हूँ जो कि मुझे काफी काम भी आता है। सबसे पहले तो ये जो घंटे का फैन है ना बाबर आजम के, ये जो बाबर आजम के फैन है जो पूरा दिन बाबर आजम करते रहते हैं, मैं उनके एक चीज बताना चाहता हूँ। आपके बाबर आजम ने ना विराट कोहली को लाइव पॉडकास्ट, घंटे की पॉडकास्ट थी वो, आपके अबू बाबर आजम ने विराट कोहली को उधर अपना अबू तस्लीम किया है, ठीक है। बाबर आजम ने बोला कि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और मैं जो है विराट कोहली से जब जब मैं मिलता हूं ना क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और विराट कोहली लेजेंड है उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूं और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती है मुझे होता है डाउट कि यार यहां से मैं जो कुछ गलत कर रहा हूं या यहां से मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं विराट कोहली से जो है वो उसके बारे में डिस्कस करता हूं और विराट कोहली बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाते भी हैं। लेकिन बाबर खुद ये कह रहा है कि मैं विराट कोहली से सीखने की कोशिश करता हूं, यानी कि विराट कोहली टीचर है एक तरीके के मेरे, मैं जब भी जाता हूं उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। अब उन फैंस को कम से कम कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए। बाबर हमेशा ये कहते रहे हैं कि विराट सीनियर है और मैं काफी चीजों से सीखा भी हूं। मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप में बाबर आजम का जब हमने इंटरव्यू किया था उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं विराट कोहली की वीडियोस भी देख लेता हूं, कोई चीज मुझे सीखनी हो तो मैं उनकी वीडियोस देख के भी सीख लेता हूं। मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया मानती है IPL को, पूरी दुनिया मानती है जसप्रीत बुमराह को, पूरी दुनिया मानती है विराट कोहली को, आप घंटे क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? चलो ये जो घंटों का सरदार है ना घंटा आजम, उसने तो मान लिया विराट कोहली को अपना अब्बू। पूरी दुनिया में इस टाइम डेथ ओवर का बॉलर सबसे बेहतरीन जो है ना वो जसप्रीत बुमराह है और तीनों फॉर्मेट्स में जसप्रीत बुमराह इस टाइम लेजेंड है। उसको अगर गोट कहा जाए ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये किसी सूरत में कम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी अपनी जाती राय है, आपकी अलग हो सकती है, ठीक है। अब बाबर आजम की राय अलग है, वो कह रहे हैं कि नसीम शाह जो है वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट होगा उनको। नसीम शाह डेथ बॉलिंग अच्छी करता है, मुझे बताओ
पैट कमिंस पागल है, मिचेल स्टार्क पागल है, लसित मलिंगा जिसको डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बना रहता है वो पागल है। इन लोगों ने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह से बेहतर डेथ बॉलिंग कोई नहीं करता। भाई शहीन को जो है बुमराह से सीखना चाहिए, बुमराह की बॉल जो है बाबर आजम पे खेली नहीं गई, वो देख रहा था ऐसे बच्चों वाली बैटिंग उसने की है, वो ऐसा समझ सामने कोई वाकई वैसे बुमराह जब आता है तो वो फिर घुमा के रख देता है। मलिंगा मलिंगा जो कि इस टाइम बॉलिंग कोच भी है मुंबई इंडियंस का, उसने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह मेरे से अच्छी डेथ बॉलिंग करता है। ये बाबर आजम घंटे ने क्यों बोल दिया कि जी देखो नसीम शाह अच्छा बॉलर होगा, अच्छी बात है भाई। नसीम शाह किधर और जसप्रीत बुमराह किधर है? एक टाइप पे आप एक बिगिनर की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह की बात वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में होती है सर। उस बंदे ने इंडिया में सॉरी ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट किया हुआ, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उसने डोमिनेट किया हुआ इन रेड बॉल, नॉट ओनली व्हाइट बॉल, इन रेड बॉल। एक साइड पे नसीम शाह बिगिनर, उसकी टोटल इंटरनेशनल विकेटें 100 नहीं होंगी। उधर जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वर्ल्ड के दो ग्रेटेस्ट बॉलर रखूं ना तो बुमराह यकीन करो नंबर वन पे आता है। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा या कोई अपने से बात नहीं कर रहा, जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस टाइम का, वो बेहतरीन बॉलर है। बुमराह की जो इन स्विंग है या आउट स्विंग जो बॉलिंग वो कर रहा है, वो बॉलर को समझ नहीं आने देता कि मैंने नेक्स्ट जो है जो इन स्विंग करनी है या आउट स्विंग करनी है, बॉल किस साइड से निकालनी। तो बात यह है कि बुमराह इज अ डेंजरस प्लेयर फॉर द फ्यूचर, सो वी कांट कंपैरिजन दैट विद शहीन एंड वी कांट कंपैरिजन टू शहीन विद बुमराह। सर बुमराह बुमराह जिस तरह सानू पहले है ना उस तरह साढ़े कागजा तो भाई बुमराह बुमराह ही। सर बुमराह इज डेंजरस, पाकिस्तानी जो शहीन की बात कर रहे हैं उसके तो कोई पता नहीं है किस वक्त वो इंजर होकर बैठ जाए, तो उम्मीद नहीं है इसका जो है। बुमराह इज अ डेंजरस इन इन राइट नाउ इन द फ्यूचर। सर बात यह है कि बुमराह को ये लोग कह रहे थे कि शहीन के साथ कंपैरिजन करवा रहे थे कि ये इंजरी से वापस आएगा तो इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, उसने इनकी ऐसी धुलाई की अपनी बॉलिंग फेंक फेंक, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट से जा रही है या राइट से जा रही है। नसीम शाह तूने किया कि जी नसीम शाह को मैं बुमराह से बेहतर मानता हूँ, ये मानता हूँ वो मानता हूँ, ये भाई तूने बहुत बड़ी चवल मारी है। उधर ये कह सकता था कि नसीम शाह यंग, देखो बाबर आजम इस तरह कह सकता था कि नसीम शाह यंग अच्छा है, यंग बॉलिंग यंग बॉलर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक एक्सपीरियंस बॉलर है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यंग बॉलर का यंग बॉलर के साथ करना, घंटे बंदे का पुत्र बन जा, ये बात बहुत बड़ी की है। ये जो बाबर आजम के फैंस कहते हो बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, तो मैं यही पेश कर रहा हूं ना कि वो अब्बू है क्रिकेट का, उसका कंपैरिजन नहीं बनता यार बाबर आजम विराट कोहली का, यही तो बात है। नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन कहां से बनता है? हो रही है ना इसकी तलब, हो रही है ना डंडा लेने की, हो रही है ना तलब डंडा लेने की। घंटो जो आज मैंने सुना भी और पढ़ा भी कि अगर लास्ट ओवर कराना हो तो नसीम शाह बेस्ट है दुनिया में, मैं एग्री नहीं करता। इसलिए एग्री नहीं करता, जो उसने नाम लिया ना बुमराह का, बूम बूम बुमराह, मेरा ख्याल है कि दुनिया के सारे बॉलर हो ना, सारे बॉलर चाहे शाहीन हो, नसीम हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, कमिंस हो, वुड हो, रबादा हो, शामी हो, और कौन कोई बॉलर रह गया हो, तो चाहे श्रीलंकन हो, वेस्ट इंडियन हो, ऑल गो विद बुमराह। बुमराह वाइड बॉलर है दुनिया का, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो। अगर टेस्ट मैच में 3 रन भी हो तो मैं बुमराह से कराऊँ, अगर वनडे में 6 रन भी हो तो मैं बुमराह से बॉल कराऊँ लास्ट ओवर, और अगर T20 में 4 रन भी हो तो ऑल गो विद बुमराह, क्योंकि बुमराह जैसी क्वालिटी है ही नहीं, बेकार चीज़ है ये। मेरे ख्याल माइंड गेम खेला है, अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, सीधी सी बात है। और मेरे ख्याल अंदरूनी खाना तो बाबर भी ये बात बोलेगा कि नहीं बुमराह बेस्ट है, लेकिन उसने चाहे दोस्ती में नाम लिया हो, चाहे बिंग पाकिस्तानी नाम लिया हो, जब आप वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं ना तो दुनिया आपकी बात सुनती है, तो आपको बात करनी चाहिए जो पता चले कि बात करिए। और बुमराह अपने आप बुमराह के बारे में जो उसने कहा कि नहीं मैं नसीम शाह पे फोकस करूंगा कि वो सबसे अच्छा बॉलर है, मेरा ख्याल है कि बैड स्टेटमेंट है, मेरे लिए शॉकिंग है, मैं हंसूंगा, सीधी सी बात है। मतलब बुमराह तो बुमराह है यार, उस जैसा बॉलर कोई है अभी? हाँ, अगर बुमराह के सामने 90s के वसीम भाई होते ना अपनी प्राइम पे तो ऑल गो विद वसीम भाई, लेकिन वसीम भाई अभी जैसा कोई है ही नहीं इस टाइम पे, मिचेल स्टार्क भी नहीं है, तो
गलत स्टेटमेंट है। जसप्रीत बुमराह का आप क्या समझते हैं, दुनिया में किसी बॉलर के साथ कोई मुकाबला नहीं? सर यही तो बात है, मैं जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है दुनिया का नंबर वन बॉलर है, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं। मैं समझता हूँ इंडिया में ही अगर कोई बुमराह के बराबर आया तो इंडिया की टीम से ही निकल कर आ सकता है। जिस तरह उनके बॉलर अभी जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अकाशदीप न्यूजीलैंड का आया है, सिराज है, तो यो उनमें से जो कोई हो सकता है जो जसप्रीत बुमराह को जो है बीट कर पाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी बॉलर जो है बुमराह की तरह बन सकता है। कभी सवाल ही बने तो यार बुमराह की आपने देखी होगी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, यार इंजरी के बाद हालांकि बॉलर जब आते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जिस तरह पहले होती है, लेकिन बुमराह तो इंजरी के बाद आते ही छा गया, एग्जैक्टली मजीद अच्छा हो गया यार। उसने वर्ल्ड कप में उसने की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, 3-3, 4-4 विकेट, अभी टेस्ट सीरीज में उसने 10-10 विकेट ले रहा है, वो एक मतलब जहां पे स्पिनिंग ट्रैक होता है। लेकिन यार आप उसको देखें, उसको बॉलर माने भाई, वो दुनिया का नंबर वन बॉलर है, उसके बराबर कोई भी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। बाबर ने नसीम को ही चूज करना था क्योंकि वो एज अ कैप्टन अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस क्यों डाउन करे। और अगर टैक्टिक्स की बात करें और टेक्निकल बात करें तो भाई बुमराह काफी ऊपर है नसीम शाह से, स्पेशली डेथ ओवर्स के अंदर बुमराह बहुत ऊपर है। इवन पूरे वर्ल्ड में अगर आप बात कर ले तो बुमराह की जो यॉर्कर्स की एक्यूरेसी है, जो क्रशर यॉर्कर्स है, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। अपने स्टैमिना पे और जोर पे ध्यान देता है, जिसकी वजह से ना उसे थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती है। जबकि जसप्रीत बुमराह है ना, वो उसके मुकाबले में है, उसे चाहे पहले ओवरों में विकेट मिले या ना मिले, बाद में वो फिर भी काम डाउन रहता है और अपनी लाइन लेंथ पे गेन करता रहता है। तो आपको नहीं लगता है कि वर्ल्ड कप में जितना अच्छी बॉलिंग कर रहा है जसप्रीत बुमराह, कि इसने अपना सिक्का मनवा लिया? जी वो तो उसका पहले भी, जब से वो आया उसने तो तब से मनवाया हुआ है। नंबर वन ओडीआई बॉलर भी वो रहा है, नंबर वन वो टेस्ट में भी वो पहले पाँच में रहा है, तो वो तो पहले से शुरू से जब आया वो उसने अपना सिक्का मनवाया हुआ है। इसने शिनशाह अफरीदी में ये है कि मतलब अगर पहले ओवर में विकेट ले ले, आप देखें रिकॉर्ड्स स्टैट्स आप देखें, सबसे ज़्यादा पहले ओवर में विकटें शिनशाह अफरीदी की हैं, तो इसलिए आसे शिनशाह अफरीदी है कि वो मतलब अगर पहले ओवर में आउट कर ले तो वो बहुत अच्छा है, अगर ना हो फिर उस जैसा उससे गंदा बॉलर पाकिस्तान टीम में कोई है ही नहीं। तो मतलब आपको नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह इतना अच्छा बॉलर है, वो पहले ओवर में भी इतना कॉम डाउन होकर बॉलिंग करता है, अगले ओवर्स में भी इतना ईजी होकर बॉल करता है कि विकेट लेता है? जी वो तो आप उसकी इकोनॉमी भी चेक कर लें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पड़े भी तो 10 ओवरों में 40, 45, 35 और आउट भी 2-3 लाजमी मस्ट होते हैं उसके हर मैच में। वर्ल्ड कप में आप देख लें ना, उसने स्कोर खाया आउट भी करता रहा, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है विकेट की वहाँ पे वो विकेट ले लेता है। अब दोनों प्लेयर्स में से अब एक बताना है आपने, जिसको 10 स्कोर चाहिए एक बैट्समैन को, दोनों प्लेयर्स में से आपको क्या बॉलर में से लगता है कौन सा अगले को डिफेंड करेगा और अगले को टफ टाइम देगा? जसप्रीत बुमराह। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 जून को बड़ा मुकाबला, बेस्ट बॉलिंग अटैक किसका? सर इंडिया के आगे भाई इस टाइम पूरे T20 वर्ल्ड कप के आगे कोई नहीं टिकने वाला, आप देख लीजिएगा ये मेरे अल्फाज जो आप लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं कि भाई इंडिया के सामने इस टाइम जो भी आएगा भाई वो तबाह हो जाएगा। वजह ये है, देखें जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, वो बॉलर जो 6 के 6 यॉर्कर करा सकता है, दुनिया में ऐसा कोई बॉलर जो मुझे बता दें जो 6 के 6 यॉर्कर करवा सकता हो, कोई भी नहीं। यही जब वो किसी को आउट करता है तो वो बैट्समैन ही करता है। यही बात हम आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तान के लिए कहते थे, पाकिस्तान के लिए क्या वजह बनी गिर गया सारा मामला? देखें शाहीन अफरीदी शादी के बाद गिर गया, ठीक है। अच्छा। अब जो शाहीन अफरीदी से तो कोई उम्मीद नहीं, अगर आप कहीं शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह कौन अच्छा, नहीं भाई, जो बेस्ट बॉलर इस टाइम इन दोनों में से अगर मैं कहूं तो वो मुझे बुमराह लगता है। अगर उसके बाद अगर बात करें आप मोहम्मद आमिर की मैं पिछली फॉर्म याद करूँ तो भाई दोनों टक्कर के बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद आमिर आने से लाइन बनी है। लेकिन ये अब जाके वहाँ पता लगेगा कि मोहम्मद आमिर की वो वाली फॉर्म अभी है, वो वाली स्विंग है, वो उसके अंदर एग्रेशन है कि नहीं है, अभी कुछ कह नहीं सकते। चल गए तो ठीक है, नहीं तो झूले लाल है। इस वक्त बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज, इधर से नसीम शाह, वो फुल परफॉर्मेंस में ये इंजरी से बाद आए हैं, इनमें कंपैरिजन कर दो बड़ा बॉलर। यार देखें सिराज इस टाइम अगर आईपीएल के अंदर देखूं ना तो आईपीएल के अंदर वो बिल्कुल फ्लॉप है, लेकिन उससे पीछे मैं देखूं जो सीरीज में उसने जो है वो अपना जादू दिखाया है, साउथ अफ्रीका में जाके दिखाया जिसमें हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की थी टेस्ट में, तो वहाँ पे जाके उसने 5-4 और 6-6, 7-7 विकेट ली थी, फिर दूसरी जगह पर जितनी भी सीरीज खेली है उसने अपना लोहा मनवाया, आईपीएल में नहीं मनवाया। लेकिन मुझे लगता है शायद आईपीएल में वो नहीं चल पाया, मुझे लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपना ज्यादा खतरनाक होगा, उससे ज्यादा खतरनाक जसप्रीत बुमराह, लेकिन कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह भी आपकी सही अड़ी है। जसप्रीत बुमराह यार देखें, एक तो एक्शन उसका बड़ा ही टेक्निकल एक्शन है, समझने में बहुत है, अभी जो है वो दुनिया के बैट्समैन अभी उसके ऊपर शायद काम कर रहे होंगे, वो तब रिटायर होगा जब भी उसकी समझ नहीं आए शायद, तो जो अभी उसके सूरत हाल है मुझे नहीं लगता कि वो जो है उससे बेहतर कोई बॉलर है। अब थोड़ी सी बात स्पिन डिपार्टमेंट भी कर लेते हैं। मेरी बात सुन लें, आप जितने भी आप कंपैरिजन करेंगे, मैं कहता हूँ बैटिंग में हम बिल्कुल फ्लॉप हैं, वो बैटिंग में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जा रहे हैं इंडिया वाले, ठीक है,
बॉलिंग में हम जो है मोहम्मद आमिर की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 20-30% फर्क पड़ा है मोहम्मद आमिर की वजह से, लेकिन बॉलिंग भी उनकी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। अगर कहें आपके इनमें दोनों में से जीतेगा कौन, तो भाई कहीं ना कहीं चांसेस इंडिया के ज्यादा, क्योंकि वो फुल फॉर्म में और हम जो है बच्चों से हार के आगे आ रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट, स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, कुलदीप डिपार्टमेंट में, स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास कौन है? शदाब है, वो नवाज है, वो भी पता नहीं कब खेलने में, और जिसको लेके जाना चाहिए था उसको लेके नहीं जा रहे। उसामा को लेके जाना चाहिए था, अच्छा बॉलर था, अच्छी उसकी टेक्निक थी, अच्छी स्विंग करता था, अच्छी लाइन लेंथ थी, उसको लेके नहीं जा रहे। समझ से बाहर मुझे ये है कि हसन अली कहाँ से आ गया स्क्वाड में? हसन अली भाई कौन सा उसने जादू कर दिया भाई? खुदा के बंदो, हम पागल हैं, हम गोबर खाते हैं, हमारा दिमाग ख़राब है यार पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी अवाम का, कि यार एक हसन अली जो T20 वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट उसने पीछे खेली नहीं है साल डेढ़ से, उसको तुम T20 वर्ल्ड कप खेली के जा रहे हो? ज्यादा परफॉर्मेंस कर ले, बाबर भी यही कह रहे हैं। ओ भाई बाबर छोड़ दे, मैं बाबर के बारे में बात नहीं करना चाहता। देखिए जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करवानी थी ना, वो इंडिया वाले ने करवाई है। जसप्रीत बुमराह को पूरा साल उन्होंने खिलवाया, सिराज को उन्होंने पूरा साल खिलवाया, बाकी प्लेयर्स को उन्होंने पूरा साल खिलवाया, हमारे पास ये हसन अली कहाँ से उठ के आ गया? कोई